मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पुराने शहर स्थित टीला जमालपुरा पर नए पुलिस थाने का गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश का पुलिस विभाग लंबी छलांग लगा रहा है। साथ ही कहा कि प्रदेश में एक समय था जब दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी, तो नक्सली उन्हीं की सरकार के मंत्रिमंडल के परिवहन मंत्री के घर में घुसकर हत्या कर देते थे। देखिए मृदुभाषी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की ये रिपोर्ट। भोपाल की किस्मत ऐसी है कि इसके भाग्य में कई सौगातें लिखी हुई हैं, और जबकि कोई नई शुरुआत होती है भोपाल से होती है और यहाँ से बहती हुई धारा फिर प्रदेश के बाकी अंचलों में जाती है। पुलिस विभाग आप देख भी रहे होंगे, आज आपने समाचारों में पढ़ा भी, आपको साइबर क्राइम में हमने हिंदुस्तान में नंबर वन आए, हमारे बाद कर्नाटक है। तो लंबी छलांग पुलिस विभाग हमारा लगा रहा है, ये पलटा कर दिया है पुलिस विभाग ने। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में होती थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो लखीराम कांवरे परिवहन मंत्री की घर में घुसकर नक्सलाइट हत्या कर देते थे। एक समय ये है कि अभी तक हम 82 लाख के नक्सली मार चुके हैं इनामी या गिरफ्तार कर चुके, ये पलटा है। उनका समय था ग्वालियर चंबल अंचल में जगजीवन, दयाराम, रामबाबू, हन्नी, हजरत, ये गैंगें मूवमेंट करती थी, लोग उनसे बचते हुए घूमते थे। आज डाकू पुलिस से बचते हुए घूम रहे। मानवा अंचल में सिमी का नेटवर्क ध्वस्त हुआ है, तो ये काम किए उसका परिणाम भी आपने देखा कि पुलिस की छवि बदल दी कोरोना काल में। जब हम देखते थे पहले कि पुलिस का जवान चौराहे पे खड़ा है तो लोगों की प्रतिक्रिया ये आती थी वसूली को खड़ा हो, लेकिन जब ट्रक बंद था, बस बंद थी, ट्रेन बंद थी, ऑटो बंद थे, सब कुछ बंद था, लेकिन पुलिस का जवान हमारी जान के लिए खड़ा हुआ था। सर्दी में भी खड़ा रहा वो, गर्मी में भी पीपीई किट पहनकर खड़ा रहा। उसने ये साबित किया कि मैं चौराहे पे इसलिए खड़ा नहीं होता था, मैं तब भी आपकी जान के लिए खड़ा होता था, अब भी जान के लिए खड़ा होता हूँ। ये हमारी पुलिस ने लगातार उपलब्धियाँ की, और इसलिए हमने कांस्टेबल को, दीवान को एएसआई, एएसआई को एसआई, एसआई को टीआई, टीआई को एसडीओपी बनाने का क्रम मध्य प्रदेश में जो लंबे समय से था उसको हमने पूरे किया, और 39,185 लोगों को करोना योद्धा का सम्मान दिया। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।